सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची सर्कुलर रेलवे जुजवी बहाल कराया 30 रुपए मुकर्रर, शहरी कल से सफर कर सकेंगे। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं 1 अरब 80 करोड़ मिले हैं जिसमें से 1 करोड़ 70 लाख खर्च किए। गिलानी स्टेशन समेत हर जगह से कब्जा छुड़ाएंगे। पच्चीस साल में सारा कब्जा माफिया छा गया है, KCR के ट्रैक पे कब्जा माफिया छा गया, जैसे जैसे हम खाली कर रहे हैं उसको चलाने जा रहे हैं। कराची में नालों के अतराफ तजावजात खत्म करने का मिशन, महमूदाबाद में ग्रैंड ऑपरेशन, KMC कामला और मशीनरी पहुंच गई। आजम टाउन के मकीन सड़कों पर निकल आए, कहा जब घर बन रहे थे तब क्यों ना रोका। अब जब लोगों ने इतना कुछ कर लिया है, आज ये घर गिरा रहे हैं, क्यों? ये कैसा इंसाफ है? PTI गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत बनाने के लिए एक कदम आगे। दो आजाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ में शामिल, दोनों को PTI का टिकट नहीं मिला था। गिलगित बल्तिस्तान में PTI की निशस्तों की तादाद 11 हो गई। जो 63 नंबर है उसमें कोई करप्शन का चार्ज नहीं है। मैं आज भी चेयरमैन नैब से कहता हूँ, हिम्मत है तो TV पर आ जाओ, आकर आवाम को बताओ कौन सी करप्शन हुई है। चेयरमैन नैब में हिम्मत है तो TV पर आके मेरी करप्शन बताएं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालबा, कहा कैमरा लगाएं ताकि आवाम देख सके अदालतों में क्या हो रहा है, नैब क्या कर रही है। मुल्क में करप्शन उरूज पर है, मुतनाज़े हुकूमत से कोई बात नहीं करेंगे। और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी फिर शुरू, वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी में इजाफा हो गया।